नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे IAS या UPSC का प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे 2011 से लेकर 2015 तक के सभी प्रारंभिक परीक्षा के पेपर फर्स्ट देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट। याद रखिए, एक बुकलेट ए है, ठीक है, परीक्षण पुस्तिका अनुरूप ए, जैसे बुकलेट, ठीक है। ये 2 घंटे का होता है, जैसा कि आपको पता होगा। 200 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्तावसान पर विगत लैप्स हो जाता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर विगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ये याद रखिए, पहले का केवल 2 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से वे सूचक हैं जिनका IFPRI द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक रिपोर्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला है अल्प पोषण, दूसरा है शिशु वृद्धि रोधन, तीसरा है शिशु मृत्यु दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 2 में होगा सी, यानी कि सभी, अल्प पोषण, शिशु वृद्धि रोधन और शिशु मृत्यु दर, ठीक है। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन है, साल दर साल लगातार घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है। पहला है राजस्व व्यय को घटाना, दूसरा है नवीन कल्याणकारी योजना को आरंभ करना, सहायकी को युक्ति संगत बनाना, आयात शुल्क को कम करना। तो तीसरे में होगा हमारा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो तीसरे का होगा सी, 1 और 3 सही होगा। क्या होगा, 1 और 3, राजस्व का व्यय को घटाना और तीसरा सहायकी को युक्ति संगत बनाना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है, इस दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें पहला कथन है, जिस मोबाइल टेलीफोन कंपनियों और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है वे भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य हैं। दूसरा है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। तीसरा, भुगतान बैंक ऋण देने के कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 4th नंबर में बी ऑप्शन सही होगा, 1 और 3, 1 और 3 इसमें सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में समाचारों में आने वाले लाइफाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए विकास को माध्यम के रूप में उपयुक्त करता है। दूसरा है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 5 में होगा सी, दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारण अंश पद को कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो 6 में याद रखना, 6वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्य योजना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की योजना उदय का एक प्रयोजन है। तो आपको बता देना है, विद्युत वितरण कंपनियों के वितरण कायापलट पुनरुद्धान का प्रबंधन करना। 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले IFC मसाला वर्ण
किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है? पहला है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो ने ब्रांडों को प्रस्तावित करता है विश्व बैंक की एक शाखा है। दूसरा है, ये रुपया अंकित मूल्यों वाले ब्रांड हैं और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के ऋण वित्तीयन के स्रोत हैं। तो नीचे दिए कूट का पेपर सही उत्तर सुनना है। तो 8 में होगा हमारा सी, 1 2 दोनों सही है। ठीक, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो 9 का होगा सी, दोनों सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में सुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो आपको बता देना है। 10 का होगा बी, मालविकाग्निमित्र, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं? तो आपको बता देना है, WTO मामला। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किनको भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल किया गया है? पहला है, सड़कों इमारतों मशीनरी आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। दूसरा है, विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। तीसरा है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान ऋण और अग्रिम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 12 में डी होगा, तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्या महत्व है? तो पहला, इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्यवाही को प्रोत्साहित करना। दूसरा है, यह विशिष्ट रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नीतन सुलभ कराता है। तीसरा, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। नीचे दी गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना, 13 में हमारा होगा सी, 1 और 3 सही है इसमें। ठीक है, इसका उद्देश्य नव विवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। और तीसरा है, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में IMF के STR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? याद रखिए, रेन मिनबी, डी ऑप्शन सही है 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 15, IMFC विश्व अर्थव्यवस्थाओं से सरोकार रखने वाले विषय पर चर्चा करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है। ये सही है। IMFC की बैठकों में विश्व बैंक के प्रेक्षक की भांति भाग लेता है। ये भी सही है, दोनों सही है। इस प्रकार सी ऑप्शन होगा 15 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन नंबर 16, एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई। तो 16 का सी, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए। 16 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17,
मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो इनमें कौन सा सही है? तो 17 का होगा सी, दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कभी कभी समाचारों में देखने वाले पद आयात और आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो 18 में डी होगा। यह उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीनों के आयात का भुगतान देश के अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। ऊपर जो एवं दिए गए उनमें सही सम्मिलित देखना है। समाचारों में कभी कभी उद्लिखित समुदाय और किसके मामले में? तो इसमें 19 में हमारा सी ऑप्शन होगा, मधेसी नेपाल और रोहिंगा म्यांमार। ठीक है, ये दोनों सम्मिलित हैं। पहला सम्मिलित नहीं है, कुर्द बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक आयुध निषेध संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 20 में यह यूरोप संघ का एक संगठन है जिसका नाटो तथा WHO के कार्यकारी संबंध हैं। गलत है, यह नए स्वास्थ्यों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। सही है, यह राज्यों को समान रासायनिक आयुध खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। ये भी सही है। इस प्रकार इसमें 2-3 होगा, मतलब बी ऑप्शन सही है, 20 का बी है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। गलत है। क्वेश्चन दूसरा कथन है, यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटी की बीमाकृत करती है। यह सही है, इस प्रकार इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो 22 में हमारा डी होगा, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषता है? नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई। सही है, यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई। यह भी सही है, NGRV का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है जिनसे होकर गंगा बहती है। ये गलत है, इसमें इस प्रकार 1-2, मतलब ए ऑप्शन सही होगा, 23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार कृषि में निम्न आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित करती है? तो याद रखिए 24 में भी होगा, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देती है। ठीक है, फिर होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 25। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यालय होता है। तो इसमें 25 में ना तो 1 सही है और ना ही 2, डी ऑप्शन है 25 का। ठीक, 25 का है डी। क्वेश्चन नंबर 26, स्टैंड अप
इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस योजन STSC एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। दोनों सही है। ठीक, सी ऑप्शन है 26 का। क्वेश्चन नंबर 27। FAO पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौम रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? तो 27 में पहला कथन है, इसमें अभी निर्धारित GIASHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़े। गलत है। पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियाँ और उनसे संबंधित परिदृश्य कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभी निर्धारण एवं संरक्षण, ये सही है। इस प्रकार अभी निर्धारित GIASHS के सभी वित्त भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों को भौगोलिक सूचक की हैसियत प्रदान करना, इसमें बी ऑप्शन है। ठीक है, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, करमेंग, लोहित। तो 28 में होगा डी, तीनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। कोर बैंकिंग समाधान पद कभी कभी समाचारों में देखा जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से इस पद का सही वर्णन करते हैं? पहला है, इसमें यह बैंक की शाखाओं का वह तंत्र है जो उपभोक्ताओं को अपने खातों का संचालन बैंक की किसी भी शाखा से कर सकने की सुविधा देता है, चाहे वो उन्होंने अपना खाता कहीं भी खोल रखा हो। सही है। यह व्यावसायिक बैंकों पर कंप्यूटरीकरण के माध्यम से RBI का नियंत्रण बढ़ाने का एक प्रयास है। गलत है। यह एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विशाल अनर्जक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्ति वाले बैंक का अधिग्रहण दूसरे बैंक द्वारा किया गया कर लिया जाता है। ये भी गलत है। इसमें केवल एक ऑप्शन सही है, केवल ए। ठीक है, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करना है। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले शब्द और ये उनका मूल स्रोत, तो 30, इनमें केवल तीन सही है। स्वच्छ विकास क्रियाविधि, यह क्रोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, केवल तीन सम्मिलित सही सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 31। जैव सूचना विज्ञान में घटनाओं और गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? तो याद रखना है, 31 में हमारा होगा बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। 31 का बी। क्वेश्चन नंबर 32। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो आपको बता देना है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? 33, पर्यावरण लाभों एवं लागतों को केंद्र राज्य की बजट में सम्मिलित करते हुए तद्द्वारा हरित लेखाकरण को अमल में लाना। गलत है। कृषि उत्पादों के संवर्धन हेतु
हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, ये भी गलत है। वन अच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रतिउत्तर देना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, केवल 3 सही है इसमें, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा इसमें, सी। क्वेश्चन नंबर चौंतीस, बड़े जल्दी 38 पर पहुंच रहे हैं, बहुत जल्दी है यार। भारत में पूर्व संबिष्टित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता की को मुख्य लेवल पर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है। तो हमारा 34 में संगठनों की सूची जिसमें सहयोगी शामिल, ये भी सही है। पोषक विषय सूचना, ये भी सही है। चिकित्सा व्यवसाय द्वारा दी गई किसी एलर्जी प्रक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियाँ यदि कोई हो है, ये गलत है। शाकाहारी मांसाहारी, ये सही है। तो इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन होगा, 34 का क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 35, कभी कभी समाचारों में दिखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है। तो 35 में होगा बी, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। क्वेश्चन नंबर 36, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहित करने के संदर्भ में देखा जाता है। तो याद रखिए 36 का ए, परिवारों उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग, ए ऑप्शन सही है, 36 का ए है, ठीक है। क्वेश्चन 37, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है। तो 37 में विश्व बैंक, सी ऑप्शन सही है। 38, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंता कौन थे, तो आपको याद रखना है व्यापारी, 38 का क्या है, डी। क्वेश्चन नंबर 39, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था, बी जेम्स प्रिंसेप, बी ऑप्शन सही है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं, ये गलत है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, दो सही है, बी ऑप्शन सही होगा इसमें, 40 का बी। क्वेश्चन नंबर 41, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह चीन रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है, गलत है। यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है, ये भी गलत है, इसमें डी ऑप्शन होगा, ठीक है, 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन इंडिया अफ्रीका समिट जो 2015 में हुआ तीसरा सम्मेलन था, सही है। इसकी शुरुआत वास्तव में 1951 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, गलत है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 42 का ए। क्वेश्चन नंबर 43, RBI द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर का क्या उद्देश्य है। तो 43, ये दिशा निर्देश उधारों
कि ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। दूसरा, ये दिशा निर्देश बैंक साख की उपलब्धता ऐसे ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले एक बैंक दोनों के लिए न्यायसंगत हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो 43 यानी कि 43 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। 44, भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊंट के बारे में अनूठा क्या है? यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है, सही है। यह मैंगोव की चराई पर जीता है, सही है। यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, दो सही है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 44 में ए। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? तो याद रखना, अंडमान द्वीप में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा क्वेश्चन नंबर 46, INS अस्तधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन है? तो 46 में सी, टॉरपीडो प्रमोशन और पुनर्प्राप्ति जलयान है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्रीड लाइटनिंग 10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख हुआ है क्या है? तो आपको बता देना है, नासा द्वारा परिरक्षित विद्युत विमान, ए ऑप्शन सही है 47 का। फिर है 48, गहन कदत संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकियों को निर्देशित करना एवं समूह उपागम के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना। दूसरा, इस योजना में निर्धन और लघु सीमांत एवं जनजातीय किसानों की बड़ी हितधारिता है। तीसरा, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेशों के और लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदत्त की खेती की ओर प्रोत्साहित करना है। 48 का होगा सी ऑप्शन, क्या होगा सी, एक और दो इसमें सही है, एक और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो 49, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 50 में हमारा बोधिसत्व बौद्ध मत की हीनान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पनाएं, गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, यानी कि 50 का बी है। क्वेश्चन नंबर 51, डॉक्टर्स विथाउट बॉर्डर्स जो प्रयास समाचारों में आया है, क्या है? 51 का होगा पी, एक गैरकारी सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बी ऑप्शन होगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP IMF
एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। गलत है। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता को के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। सही है। यह एक ऐसा उपागम है प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्यों की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। ये भी सही है। क्या क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें, 52 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। दूसरा है, यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। तो याद रखिए 53 में हमारा होगा ए ऑप्शन, केवल एक सही है। ठीक, 53 का है ए। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यू एन रीड आर ई डी डी प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी क्रियान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकता है। पहला है जैव विविधता का संरक्षण करने में, दूसरा है वन पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में गरीबी कम करने में। तो इनमें कौन सा सही है? 54, तीनों सही है। ठीक, 54 में डी है। क्वेश्चन नंबर 55। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। 55 का ए है। क्वेश्चन 56। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें होगा 56, यह नीति आयोग का एक अंग है। सही नहीं है, गलत है। संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। सही है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि साविवेक पर्यवेक्षक का अनुवीक्षण करता है। ये भी सही है। 2 और 3 सही है इसमें। सी ऑप्शन सही है, 56 का सी है। क्वेश्चन नंबर 57। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 57। तो इसमें होगा, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। गलत है। तो इसमें केवल एक ऑप्शन सही है। क्या है? 57 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58। सत्यशोधक समाज से संगठित किया। तो याद रखिए, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। 58 का सी। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। 59, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को, तीनों को। ठीक है, 59 का डी। क्वेश्चन नंबर 60। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाले आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण पद का क्या संदर्भ है? तो 60 में होगा बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले कर अपवचन पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र का गठन कहाँ किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था? तो आपको बता देना है 61 में,
ए ऑप्शन सही है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान का उद्देश्य क्या है? खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, गलत है। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, सही है। राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, ये भी गलत है। इसमें केवल बी ऑप्शन सही है, 62 का बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारत सरकार की एक पहल स्वायाम का लक्ष्य है, तो इसमें होगा 63, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 64, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? संवैधानिक सुधार। 64 डी। क्वेश्चन नंबर 65, अजंता और महाबलीपुरम के रूम में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए, गलत है। दोनों एक के ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थे, ये भी गलत है। दोनों एक ही शिलाकृत स्मारक हैं, ये सही है। इस प्रकार बी होगा, 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बिटकॉइंस की खोज खबर देशों में केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइंस भेज सकता है या उसे प्राप्त कर सकता है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। तो याद रखिए 66 में हमारा होगा बी, 2 और 3 इसमें, ठीक है। कौन कौन से? 2 और 3। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है और उससे प्राप्त कर सकता है, सही है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना APEC द्वारा की गई, गलत है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में, ये सही है। बी ऑप्शन सही होगा, 67 का बी। क्वेश्चन नंबर 68, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? 2 और 3, यानी कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। क्वेश्चन 70, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? तो 70 में ए, ईरान नहीं है, सऊदी अरब है, ओमान है, कुवैत है। 71, सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना एवं स्वर्ण मुद्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या है? भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े सोने स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, सही है। स्वर्ण एवं आभूषण क्षेत्रों में FDI को प्रोत्साहित करना,
गलत है। स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना सही है, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, कभी 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 समाचारों में आने वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों में संदर्भ में आता है? तो 72 में चीन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली लाना, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 74, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किनमें शेल गैस का संसाधन पाए जाते हैं? तो इसमें 74 में होगा हमारा डी, तीनों में, कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो इसमें होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 75 का बी। क्वेश्चन नंबर 76, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 76 सी, 1 और 3, यह एक न्यूनतम गारंटिड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है, सही है। दूसरा, अभी परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना से शामिल हो सकता है, गलत है। अभिदाता की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित है, सही है, सी ऑप्शन 76 का है, ठीक है। क्वेश्चन 77, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पद प्रयास समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों में संदर्भ में आता है, देशों के उस समूह को क्या कहते हैं? तो 77 यानी कि बी ऑप्शन आसियान, बी ऑप्शन सही है। 78, निम्नलिखित में से किस में आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार लीवर पाते हैं? छत के पंखे, विद्युत गीजर, नलिका रूप पिति दीप्ति लैंप, तो 78 में होगा डी, तीनों तीनों में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79, भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या होगा? तो इसमें 79 है। यह विद्युत उत्पादन के लिए सलेन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है, 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। शब्द हैं और ये विवरण है, एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, सही है। तनी यूर, यह अकेले ब्राह्मण एवं ब्राह्मण समूह को दान दिए में गए ग्राम है, गलत है। घटिका, प्रया मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय, सही है। क्या होगा इसमें? 1 और 3 यानी कि डी, 80 का डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया, सही है। इस संगठन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित हैं, गलत है, इसमें केवल एक है, ए ऑप्शन सही होगा, 81। क्वेश्चन नंबर 82,
समाचारों में कभी कभी देखने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र क्या है? तो 82 में होगा बी ईयू की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। 82 बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा डीप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? खर पतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। 83 यानी कि इसमें होगा सी 1 और 3। क्या होगा? 1 और 3, खर पतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी। क्वेश्चन नंबर 84, कभी कभी समाचारों में दिखने वाले डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, सही है। दूसरा, यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं भी हो, सही है। सी ऑप्शन सही होगा इस प्रकार, ठीक। क्वेश्चन 85, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किसको जोड़ने का कार्य किया गया था? बी गोदावरी कृष्णा। 85 का बी। क्वेश्चन नंबर 86, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणता निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? 86 कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें होगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 87, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? यूएस और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित है। गलत है। एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। ये भी गलत है। डी ऑप्शन सही होगा, ना तो एक सही है और ना ही दो। क्वेश्चन 88, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त तो जलचक्र, ठीक है, वाटर व्हील। सी ऑप्शन सही है 88 का। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इति वृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मगध का। डी ऑप्शन सही है। 90, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? महाराष्ट्र ने। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान है, कोई मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है को इसे, हाँ सही है। इसरो ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बना दिया। गलत है। तीसरा, ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त की है। सही है। इसमें होगा सी ऑप्शन 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? 92 बी
अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, ठीक है 92 बी। क्वेश्चन नंबर 93, सर स्टीफर्ड चिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, 93 डी। 94, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, एक प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र, तो इसमें सही सम्मिलित देखना है हमें। 94, तो इसमें एक दूसरा खजुराहो बुंदेलखंड और एक है पांचवा सही तिरुपति रायल सीमा, ठीक सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि इसके लिए संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थिति एवं मत देने वाले राज्यों के कम से कम सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र में जोड़े जाने के लिए एक किंतिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया है, राजस्थान, 96 डी। क्वेश्चन नंबर 97, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इस समझौते पर यूएन के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए और यह 2017 से लागू हुआ, गलत है। यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड या कोशिश करें कि 1.5 सेंटीग्रेड से अधिक ना हो पाए, सही है। विकसित देशों ने वैश्विक तापन में अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को स्वीकारा है और जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों की सहायता के लिए 2020 से प्रतिवर्ष $1,000 अरब देने की प्रतिबद्धता जताई है, गलत है, ठीक है केवल एक सही है, इसमें होगा 97 में बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था प्रस्तावित किया था, गलत है। धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, सही है, इसमें होगा केवल 2, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है, तो 99 ए, एस रामानुज। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष, गलत है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है, सही है, ठीक बी ऑप्शन सही होगा। तो ये था हमारा 2016 का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर, आगे बात करेंगे हम लोग UPSC IAS का प्रारंभिक परीक्षा का फर्स्ट पेपर, ठीक है।